स्ट्रॉन्ग हेल्दी हेयर चाहिए तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। सबको ही चाहिए होते हैं वैसे तो हेल्दी हेयर, लॉन्ग हेयर। तो आप ये वाली रेमेडी, होम रेमेडी, बहुत सिंपल होम रेमेडी है, इसको आप ट्राई कर सकते हो लॉन्ग हेल्दी हेयर के लिए। इसमें हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो एग चाहिए, एलोवेरा जेल चाहिए होगा एंड द कोकोनट ऑयल। इसका जो प्रोपोर्शन है हम अपने हेयर के अकॉर्डिंग लेंगे, अकॉर्डिंग टू योर लेंथ, आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग। हमें स्कैल्प पे इसको लगाना है और लेंथ पे भी लगाना है। मेन जो होगा हमारा वो स्कैल्प का रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस मास्क को बनाते हैं। मैं 2x ले रही हूँ इसमें। हम फुल एग ले गए क्योंकि इसका योक और वाइट पोर्शन दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसीलिए हम फुल एग ले रहे हैं। मैं 2x ले रही हूँ क्योंकि मेरी हेयर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। मैं अब थोड़ा अच्छे से इस पर लगाऊंगी। ये एग मैंने इसमें ले लिया है। फिर हम लेंगे एलोवेरा जेल। अगर आपके पास एलोवेरा प्लांट में है, वेल एंड गुड, आप प्लांट में से उसका जेल निकाल सकते हो, अदरवाइज जो भी यूज़ कर सकते हो इसका। ये ज़्यादा इफेक्टिव लगता है मुझे, तो मैं इसमें ले रही हूँ। आपको थोड़ा अंदाजे से इसका प्रोपोर्शन लेना है अपने हेयर के अकॉर्डिंग। जिसके छोटे बाल हैं वो कम लेंगे, जिसके बड़े हैं वो थोड़ा ज़्यादा लेंगे। इसमें मैं अप्रॉक्स 2 स्पून्स एलोवेरा जेल ले रही हूँ। 2x 2 स्पून्स जेल। ये है हमारा कोकोनट ऑयल, ये सबके घर में ही होता है यूजुअली, तो कोकोनट ऑयल हमें इसमें लेना है। ये मैं 1 स्पून ले रही हूँ फुल। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्कैल्प पर लगाने हैं मसाज करते हुए, सो दैट जो हमारा प्रोडक्ट है अच्छे से एब्जॉर्ब हो, एब्जॉर्प्शन अच्छा हो एंड जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो। आपको हेयर मास्क इतना रेडी करना है ताकि आपके पूरे रूट्स में लग जाए एंड हेयर लेंथ पे प्रॉपरली लग जाए, तो आपको उतना उतने प्रोपोर्शन में इसको रेडी करना है। आफ्टर दिस आपको अपने हेयर टाई करके इस पर पॉलीथिन लगा सकते हो, शार्क कैप लगा सकते हो, ताकि जो हमारा हेयर मास्क है वो एयर में सूखे ना, क्योंकि इससे क्या होता है हेयर फॉल होता है, अगर वो सूख जाता है तो हेयर फॉल होता है। हेयर वॉश हो चुके हैं, कॉम किए हुए हैं मैंने, much for watching, thank you, bye bye.